नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ आप देख रहे देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। तो मुंबई में एक प्रमुख होटल में बम धमाके की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वही पुणे में काला जादू के नाम पर महिला को सार्वजनिक स्थान पर नग्न नहाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। तो उधर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में कहा था कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। इस बयान के बाद से राजनीतिक खेल उलझता नजर आ रहा है। इस बीच चेन स्नैचरों को पकड़ने के लिए मुंबई के पुलिस कर्मियों की ट्रिक खूब चर्चा में है। डिलीवरी मैन के वेश ने पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। इस याचिका में शिंदे गुट की ओर से असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग की गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के समर्थन के साथ विद्रोह का बिगुल फूंका। पहले सूरत, फिर गुवाहाटी उनका ठिकाना बना। उस वक्त शिवसेना की ओर से शिंदे समूह के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उद्धव गुट की मांग है कि शिवसेना से अलग हुए शिंदे समूह को संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही उनके समर्थन से सत्ता में आई सरकार को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। शिवसेना ने इस बड़ी मांग समेत कई बातों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इससे पहले असली शिवसेना को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग के पास पहुंची थी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट को शिवसेना से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए कहा था। मुंबई के एक प्रमुख होटल में बम धमाके की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके पहले भी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया था, जिसमें 26/11 जैसे हमले की बात की गई थी। आज मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि मुंबई के एक प्रमुख होटल में धमकी भरा कॉल आया है। कॉलर ने दावा किया है कि होटल में 5 स्थानों पर बम लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अज्ञात शख्स ने इन्हें डिफ्यूज करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग भी की है। शहर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 336/507 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके पहले गत शुक्रवार को मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमले जैसी धमकी भरा मैसेज आया था। ट्रैफिक पुलिस को रात करीब 11:45 व्हाट्सएप पर संदेश आया था। इसकी जानकारी लगते ही मुंबई पुलिस ने तटीय और भीड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह मैसेज पाकिस्तान से आया था। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया था। इसके अलावा रायगढ़ जिले के तट पर हथियारों से भरी नाव मिलने से भी हड़कंप मच गया था। नाव में कोई सवार नहीं था और इसे स्थानीय लोगों ने हरिहरेश्वर बीच पर देखा था। लोगों को इनमें एक मेटल बॉक्स मिला था, जिसे खोलने पर उसमें 3 AK-56 राइफल मिली थी। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में काला जादू के नाम पर महिला को सार्वजनिक स्थान पर नहाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के पति और ससुराल वालों ने किसी तांत्रिक बाबा के झांसे में आकर उसके साथ यह जातायात की। तांत्रिक ने काले जादू की इस रस्म से बेटा पैदा होने की बात कही थी। पीड़िता की शिकायत पर पुणे पुलिस के भारतीय विद्यापीठ पुलिस थाने ने 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तांत्रिक की पहचान मौलाना बाबा जमादार के तौर पर हुई है। पुलिस ने महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय बुराई की रोकथाम पर उन्मूलन की धारा 3 के 7, IPC की धारा 498A, 323, 420 और 504, 406 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके ससुराल वाले 2013 से ही मानसिक और शारीरिक रूप से उसका शोषण कर रहे हैं। दहेज और बेटे को जन्म देने को लेकर उसे सताया जा रहा है। उसे लेकर उसके साथ पहले भी कई बार काला जादू किया गया। इसी कड़ी में उसे इस बार रायगढ़ जिला ले जाया गया और उसे खुले से नग्न होकर नहाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि उसके पति ने जबरन उसकी साइन करवाकर 75 लाख रुपए का लोन लिया है। महिला का कहना है कि यह कर्ज उसकी संपत्ति को दिखाकर बिजनेस में मकसद से लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है और जाँच शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही है। क्या यह रस्साकशी किसी भी नए गठबंधन के लिए सामान्य बात है या फिर आने वाले दिनों में दो गुटों में बात और बिगड़ सकती है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब दे पाना महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों के लिए भी फिलहाल संभव नहीं दिखता है। इस गठबंधन में भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन भाजपा की फ्रंट फुट से खेलती नजर आ रही है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में कहा था कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। इस बयान के एक दिन बाद ही बीजेपी ने बुलढाणा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रताप यादव फिलहाल यहां से सांसद है और शिंदे खेमे में आने वाले शिवसेना के 12 सदस्यों में से एक है। अब खबर है कि केंद्रीय श्रम मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जल्द ही बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। बुलढाणा का उन 16 निर्वाचन क्षेत्रों में से ही एक है जिन पर भाजपा की विशेष नजर है। अगले लोकसभा चुनाव में 45 सीटों का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी यहां से जितना जरूरी मानती है। वही शिंदे कैंप के नेताओं का मानना है कि बावनकुले ने उनसे बातचीत किए बिना ही बुलढाणा को लेकर इतनी बड़ी घोषणा कर दी। ऐसे में गठबंधन के बीच बात बिगड़ भी सकती है। चेन स्नैचरों को पकड़ने के लिए मुंबई के पुलिस कर्मियों की ट्रिक खूब चर्चा में है। दरअसल 14 अगस्त को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास एक व्यापारी सुबह की सैर के लिए निकला था कि तभी बाइक सवार दो लोगों ने पुल के नीचे उसकी चेन छीन ली। चेन छीनने के बाद चोर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दक्षिण की ओर जाने वाली पगडंडी पर भाग गए। पुलिस टीम ने यह पता लगाने के लिए 200 से अधिक कैमरा की फुटेज खंगाली की। वे लोग कहां गए थे, उनकी मोटरसाइकिल विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर एक पार्किंग में मिली। इसके बाद 3 दिनों तक पुलिस कर्मियों ने फूड डिलीवरी मैन के वेश में पार्किंग क्षेत्र पर नजर रखी। पुलिस यह देखना चाह रही थी कि उस बाइक को लेने कौन आता है। आखिरकार फिरोज शेख वहां आया और इससे पहले कि वह बाइक लेकर भाग पाता, पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिरोज शेख ने पुलिस को बताया कि वह पीछे से आता था और कमजोर रहगीरों से चेन छीनता था, जबकि उसका साथी जाफरी मोटरसाइकिल चला रहा होता था। जाफरी ईरानी बस्ती में अंबिवली में रहता है। पुलिस कर्मियों का एक दल एक ऑटो बस्ती में गया, लेकिन लगभग 300 निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ड्राइवर ने ऑटो को खतरनाक स्पीड से दौड़ाया और पुलिस को जाफरी को हिरासत में लेकर बस्ती से बाहर निकलने में मदद की। जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि जाफरी के पास पिछले 15 अपराधों का रिकॉर्ड है। दोनों के पास से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राजा पर कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। तो यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे पर उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया है। इनामी उमर ने आज लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वही भाजपा नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच कहा कि राजेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी है। तो उधर बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश के बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण किया गया। इस मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही है। इस बीच एलोपैथी डॉक्टर्स पर बयानबाजी के चलते योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में रामदेव से सवाल किए हैं। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया। राजा पर कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। विवादित बयानों के लिए पहचान रखने वाले बीजेपी विधायक राजा पर पहले ही आरोप लग चुके हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक है। राजा के बयान के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान सिरतन से जुदा के नारे भी लगे। विवादों से घिरे राजा का यह कोई पहला मामला नहीं है जब उन पर आरोप लगा हो। वही राजा की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना के करीमनगर से पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर यह पूरा विवाद है। दरअसल फारूकी के शो को लेकर राजा ने कहा था कि हम उनके शो को आयोजित नहीं होने देंगे। इसके लिए बकायदा राजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसे विवादों में घिरता देख यूट्यूब की ओर से डिलीट कर दिया गया। राजा पर आरोप है कि इस वीडियो में ही जब वे फारूकी के शो को लेकर बयान दे रहे थे, तभी मोहम्मद पैगंबर पर कथित रूप से टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से पूरे हैदराबाद में राजा को लेकर बवाल फैल गया। राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ था। वही बंडी ने भी फारूकी के शो को लेकर कहा था कि हम शो को आयोजित नहीं होने देंगे।
यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया है। 2 लाख के इनामी उमर ने आज लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के साथ मारपीट और अपहरण के मामले में आरोपी है। अतीक अहमद के दोनों बेटों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी थी और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर पर लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण कर देवरिया जेल में अपने पिता के पास ले जाने और मारपीट का मामला दर्ज है। इस मामले की जांच सीबीआई के पास है। अतीक के छोटे बेटे अली अहमद पर प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट, धमकी और रंगदारी का मामला दर्ज है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाने की पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में आलमबाग निवासी रियल एस्टेट के कारोबारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से गोमती नगर ऑफिस से उनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया। आरोप है कि जेल में ही अतीक ने एक सादे कागज पर उससे साइन करने को कहा। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया, तब अतीक के गुर्गों और बेटे ने उसे तमंचे और लोहे की रॉड से पीटा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 दिवसीय धरना दिया। वहीं भाजपा नेता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया। उन्होंने लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच कहा कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी है। इस दौरान टेनी ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। लखीमपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने 75 घंटे धरने के बाद जहां फिर से दिल्ली में किसानों ने एक बार फिर जंतर मंतर पर महापंचायत कर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर लखीमपुर में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि जिसका जो व्यवहार होता है वह उसके अनुरूप व्यवहार करता है, फिर चाहे जितने राकेश टिकैत विकेट जितने आए। मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। साथ ही अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देता हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही किसान नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की भी मांग की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बयानबाजी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश के बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण किया गया। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम मंत्री इसराइल मंसूरी कल मंदिर में पहुंच गए थे। इसके बाद दोपहर में भगवान को भोग लगाने से पहले मंदिर को धुलवाया गया। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के जाने के बाद मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर चर्चा होने लगी। बाद में इसकी जानकारी श्री विष्णुपद प्रबंध करीनी समिति के अध्यक्ष शंभुलाल विठल और अन्य लोगों को मिली। दोपहर में भगवान को भोग कराना था, ऐसे में मंदिर में धुलवा कर भगवान का भोग लगाया गया। शंभुलाल विठल ने बताया कि इसराइल मंसूरी नए मंत्री बने हैं, उन्हें कोई पहचानता नहीं था, ऐसे में उनके साथ रहे नेताओं विधायकों को मंत्री को मंदिर के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। हम लोगों ने भोग लगाने से पहले मंदिर को धुलवाया है। बता दें कि गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने पर बिहार में राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने सीएम नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने इसराइल मंसूरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य करार दिया। एलोपैथी और डॉक्टर्स पर बयानबाजी के चलते योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में रामदेव से सवाल किए हैं, साथ ही उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एलोपैथी के खिलाफ बोलकर लोगों को गुमराह नहीं करने की सलाह दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA याचिका पर आज शीर्ष न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एलोपैथी को बदनाम करते हुए
विज्ञापन दिखाने पर सफाई मांगी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मौखिक तौर पर कहा कि बाबा अपने सिस्टम को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन अन्य की आलोचना क्यों करना। हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन उन्होंने अन्य व्यवस्थाओं के बारे में गलत कहने से बचना चाहिए। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने सवाल किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिसका बाबा रामदेव पालन करते हैं वह सब कुछ ठीक कर देगा। याचिका में आईएमए ने मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ जारी अभियान को नियंत्रित करने की मांग की थी। इसके पहले बाबा रामदेव ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर कहा था कि वह वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गए। कई डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने चीन को एक साफ संदेश दिया है। भारत ने क्षेत्रीय अखंडता और हस्ताक्षर किए गए विभिन्न समझौता का सम्मान करने का आह्वान किया है। तो इटली में अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रही दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलानी ने एक प्रवासी दौरा एक यूक्रेनी महिला के साथ बलात्कार का वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वही एक इजरायली बैंक में एक विशालकाय बैल के परिसर में घुसने से भगदड़ की स्थिति मच गई। तो उधर चीन दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। यह विशाल टेलीस्कोप सूर्य का करीब से अध्ययन करेगा। इस बीच मिस्र में मिली किताब द बुक ऑफ द डेड अपने आप में हजारों रहस्य में समेटे हुए है। इन ग्रंथों की प्रतियां अक्सर मृतकों के साथ ही दफन कर दी जाती है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने चीन को एक साफ संदेश दिया है। भारत ने क्षेत्रीय अखंडता और हस्ताक्षर किए गए विभिन्न समझौता का सम्मान करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा था कि यथास्थिति को बदलने के लिए बलपूर्वक की गई जबरदस्ती और एकतरफा कार्रवाई आम सुरक्षा का अपमान है। भारत की ओर से ये बयान तब आया है जब चीन के साथ एलएसी पर लगातार तनाव है। 2020 में गलवान घाटी हिंसा के बाद दोनों देशों के संबंधों में गिरावट को मिली। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि साझा सुरक्षा तभी संभव है जब देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे, ठीक उसी तरह जैसा वह दूसरे से उनकी संप्रभुता से सम्मान की उम्मीद करते हैं। विस्तारवाद चीन की पुरानी नीति रही है। 2017 में भी चीन ने डोकलाम का विवाद किया था। डोकलाम तनाव के दौरान चीन से भूटान के क्षेत्र पर सड़क बनाने की कोशिश की। भारत की ओर से कई बार इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि चीन 1996 और 1993 के समझौता का सम्मान नहीं कर रहा है, जिसके तहत सीमा पर सैनिकों को न इकट्ठा करने का आह्वान किया गया है। भारत की राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी इस दौरान घेरा। उन्होंने कहा कि साझा सुरक्षा भी तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद जैसे आम खतरे के खिलाफ एक साथ खड़े हो और इस बारे में जब उपदेश दे तो दोहरे मापदंड न अपनाए। इटली में अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रही दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलानी ने एक प्रवासी द्वारा एक यूक्रेनी महिला के साथ बलात्कार का वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेलानी की प्रतिद्वंदियों ने आरोप लगाया है कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति कर मत हासिल करना चाहती है और इसके लिए उन्हें एक महिला की अस्मिता तक की परवाह नहीं है। दरअसल जॉर्जिया मेलानी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें गिनी के 27 वर्ष एक प्रवासी ने 55 वर्षीय यूक्रेनी महिला के साथ बलात्कार किया था। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए मेलानी ने लिखा कि एक शरण चाहने वाले यूक्रेनी महिला के खिलाफ यौन हिंसा इस कृत्य को चुप नहीं रखना चाहिए। मैं इस महिला को गले लगाना चाहती हूँ। मेलानी द्वारा इस वीडियो को पोस्ट किए जाने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। बता दें कि जॉर्जिया मेलानी को इटली का अगला प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। उनकी दूर दक्षिणपंथी नीतियों के कारण मेलोनी को इटली की मरीन पी पेन कहा जाता है। जॉर्जिया मेलानी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो वे न सिर्फ इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी बल्कि यह इटली की राजनीति में एक बवंडर की तरह होगा, क्योंकि उनकी ब्रदर्स ऑफ इटली की वैचारिक और राजनीतिक जड़े इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों द्वारा शुरू किए गए इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ी है और उसकी ही उत्तराधिकारी मानी जाती है।
एक इजरायली बैंक में कल सोमवार को विशालकाय बेल के परिसर में घुसने से भगदड़ की स्थिति मच गई। यह घटना इजरायल की राजधानी तेल अविव के दक्षिण पूर्व में लोज शहर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेउमी बैंक शाखा की है। इस दौरान बैल वहां लगभग एक घंटे तक उत्पात मचाता रहा, हालांकि इससे किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक लेउमी बैंक में सुबह कामकाज शुरू ही हुआ था कि अचानक पार्किंग से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए एक बैल शाखा में घुस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान बैल को भगाने की कई कोशिश भी हुई, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। इस दौरान बैल का मालिक भी बैंक पहुंचा, जिसके बाद लगभग एक घंटे तक परेशान होने के बाद आखिरकार बैल पर काबू पा जा सका। दरअसल वह बैल अपने मालिक हाथों से लगी रस्सी छुड़ाते हुए भाग गया था। बैंक में प्रवेश करने से पहले बैल ने वहां परिसर में खड़ी कारों को चोट पहुंचाया। जारी वीडियो में लोगों को बैल से दूर भाग दिखाया गया। अखबार ने बताया कि बैल के मालिक के आने में आधा घंटा लग गया। इस दौरान पशु चिकित्सक को भी बुलाया गया था, उसे पकड़ कर उसके मालिक को सौंप दिया गया। घटना को संभालने के लिए स्थानीय अधिकारियों को और शहर की पशु चिकित्सा सेवा को मामले की सूचना दी गई थी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर उठ खड़े हुए। चीन दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। यह विशाल टेलीस्कोप सूर्य का करीब से अध्ययन करेगा। चीन का इस विशाल टेलीस्कोप को बनाने का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन की समझ में सुधार करना है। जानकार बताते हैं कि सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन से पृथ्वी और अंतरिक्ष में इसका गहरा असर हो सकता है। इस टेलीस्कोप में 313 डिश लगाया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 19.7 फीट होगा, जो 1.95 मील की परिधि के साथ एक वृत्त का निर्माण करेगा। सूरज से निकलने वाली लपटों को ही कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। कोरोनल मास इजेक्शन वो घटना है जिसमें सूर्य को कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकलता है। सूर्य अरबों टन कोरोनल सामग्री को बाहर निकाल सकता है। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से बाहर की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की धीमी रफ्तार से लेकर लगभग 3000 किमी प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। पृथ्वी की तरफ आने वाला सूर्य की लपटें कम से कम 15 से 18 घंटे में पहुंच सकती है। चीन का यह विशाल टेलीस्कोप सूर्य की भयंकर लपटों का अध्ययन करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप सूर्य की हर गतिविधि पर अपनी नजर रखेगा। यह विशाल टेलीस्कोप इस साल के अंत तक पूरा होने वाला है। इस निर्माण के पूरा होते ही चीन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है। बुक ऑफ द डेड प्राचीन मिस्र के ग्रंथों की एक श्रृंखला को दिया गया एक आधुनिक नाम है, जिसको लेकर मिस्रवासियों का मानना है इस किताब के रहस्यों इसमें दर्ज संकेतों और शब्दों को अगर बढ़ा लिया जाए तो मृतकों को अंडरवर्ल्ड में रास्ता दिखाने में मदद मिलेगी। द बुक ऑफ द डेड अपने आप में हजारों रहस्य के समेटे हुए है। इन ग्रंथों की प्रतियां अक्सर मृतकों के साथ ही दफन कर दी जाती थी। बुक ऑफ द डेड प्राचीन मिस्र में बनाए गए सैकड़ों अलग अलग मंत्रों से भरी पड़ी है, जिन्हें अलग अलग अध्यायों में समेटा गया है। इनमें अलग अलग अध्याय या मंत्र शामिल है। हालांकि हर मकबरे के साथ ये रहस्यमयी किताब नहीं मिली है, लेकिन जो भी किताबें मिली है उनकी अलग अलग प्रतियों में अलग अलग तरह के मंत्र लिखे हुए मिले हैं। हर किताब दूसरे किताब से काफी अलग है, जिसका मतलब ये लगाया जाता है कि अलग अलग लेखकों ने बुक ऑफ द डेड को लिखा होगा, लेकिन हर किताबों में अलग अलग मंत्र लिखा था। प्राचीन मिस्रवासियों ने इन ग्रंथों को दिन के हिसाब से आने वाली पुस्तक कहा है। यह देखते हुए कि यह नाम मिस्र के लोगों के विश्वास को दर्शाता है कि मृतक को एक गौरवशाली आत्मा या अग के रूप में मृत्यु के बाद नए जीवन में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए मंत्र प्रदान किए गए थे। तो विकीबी न्यूज की इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विकीबी न्यूज। नमस्कार।